और अब बात तिरुपति मंदिर की, जिसके लड्डू प्रसाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि सूबे के पूर्व सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान भगवान के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले लड्डू को बनाने में घी के बजाय जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। उनके इस बयान से एक नया धार्मिक विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर बयानबाजी तेज हो गई है। तिरुपति बालाजी मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ का मामला सामने आया है, जहां प्रसाद में जानवरों की चर्बी होने की पुष्टि हुई। धर्मस्थल श्रद्धा और शुद्धता की गारंटी होते हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी के भक्तों को प्रसाद के रूप में अधर्म परोसा गया। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में एक लड्डू दिया जाता है। इस लड्डू को बनाने की एक खास विधि और निश्चित सामग्री होती है। लड्डू तैयार होने की मुख्य सामग्री है गाय का घी। आरोप है कि पिछली सरकार में इसकी जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। लड्डू प्रसाद की भावना से आदमी ले जाता है, ये प्रसाद को अनादर किया जा रहा है, इसको ये सब नहीं होना चाहिए, गलत बात है। वैसे तो प्रसाद की पूरी विधि में शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है और लड्डू बनाने का काम मुख्य रूप से मंदिर में पुजारी ही करते हैं। ये लोग अपने हाथों से लड्डू तैयार करते हैं। लड्डू बनाने के लिए घी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। आरोप है कि सारा खेल यही हुआ। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश ही नहीं, विश्व भर के हिंदुओं के लिए पूजनीय है। ऐसे में प्रसाद की शुद्धता से हुए खिलवाड़ ने राज्य की राजनीति को हिला कर रख दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि सप्लाई का ठेका किसे मिले, किसने दिया, इसकी जांच हो। जो सूचना मिली है मैंने भी देखा है, मैं भी भक्त हूँ भगवान तिरुपति बालाजी का, भगवान रामलला का, और कहीं भी किसी तीर्थ स्थल में अगर इस प्रकार की शिकायत होगी तो वहाँ की सरकारें सब जो जरूरी कदम है उस पर उठाएंगी और हम लोग उत्तर प्रदेश में ध्यान रखेंगे। सरकार को इस चीज को और गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, शायद 2-3 और लैब से टेस्ट करवाएं, पता करें ये कहाँ से आता है। अगर वो आप बता रहे हैं कि शायद घी या तेल के पदार्थ जो मिलते होंगे, मुझे ठीक से टेक्निकली मालूम, उनकी मिलावट से ही कुछ आता होगा, वो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा मंदिर है। और तिरुपति का तो जो लड्डू है वो एक समझ लीजिए पूरे देश में एक तरीके से प्रसिद्ध है, हर व्यक्ति वहां जाता है, उसको लेता है। वही अमेठी से बड़ी खबर है, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलावट को लेकर संत समाज में भारी नाराजगी है। अमेठी में संत शिरोमणि मोनी महाराज बोले हैं, ऐसा कृत्य करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। बाबूगंज सगरा के पीठाधीश्वर हैं मोनी महाराज। भ्रष्ट करने से संत महात्मा विद्वान सारी लोग हताहत है, पूरे देश में आक्रोश हो रहा है, क्योंकि करोड़ों लोग भगवान को मानने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, वहीं से लाखों लड्डू भगवान रामलला के लिए यहां भी आता है दर्शन करने, पूजन करने के लिए। पूरे देश में सारे लोग भगवान का प्रसाद लेकर के आते हैं, सभी मठ के मठाधीश शंकराचार्य महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर उसका सेवन करते हैं, पूजन करते हैं। और मेरी आस्था को समाप्त किया जा रहा है, केंद्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करके दुकानदारों को जेल भेज के फांसी की सजा देनी चाहिए।